अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन द पेज नंबर 37। आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच वॉज लेफ्ट इन द लास्ट क्लास। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस हेडिंग, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस यूज लेजर टू सेव एंड लोड डेटा ऑन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो लेज़र की टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं अपना डेटा सेव करने के लिए और लोड करने के लिए स्टोरेज मीडिया तक। द कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी इज़ अ थिन फ्लैट डिस्क प्रोटेक्टेड बाय अ ट्रांसपेरेंट कवर। द सीडी रॉम ड्राइव इज इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सीडीज आर पोर्टेबल एंड सिक्योर। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीडीज। आपकी जो सीडी डिस्क होती है वो एक थिन फ्लैट डिस्क होती है जिसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। आपका जो सीडी रोम ड्राइव होता है वो आपकी सिस्टम यूनिट जो आपका सीपीयू होता है कंप्यूटर का उसमें ही मौजूद होता है। और आपकी जो सीडी होती है वो एक पोर्टेबल और सिक्योर डिवाइस होती है टू स्टोर योर मेमोरी। अपना डेटा स्टोर करने के लिए वो एक पोर्टेबल और सिक्योर डिवाइस है। पोर्टेबल इन द सेंस कि वो हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, आप उसे ईजिली हर जगह कैरी कर सकते हैं अपने साथ और उसे अपने सिस्टम से निकाल भी सकते हैं और किसी और सिस्टम में भी उसको एक्सेस होता है। नेक्स्ट इज सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डेटा स्टोर ऑन द सीडी रोम कांट बी चेंज। इट कैन स्टोर अप टू 650 MB ऑफ डेटा। जितना भी डेटा आपका सीडी रोम में स्टोर होता है वो एक बार स्टोर होता है लेकिन वो तब्दील दोबारा नहीं किया जा सकता। कि अगर आप चाहें कि आपने आज एक चीज़ अगर स्टोर की है और उसको आप सोचें कि आप उसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। और जो आपकी सीडी रोम डिवाइस होती है उसमें आप 650 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। CDR is compact disk recordable. A CDR is a bland disk on which data can be stored only once but read many times. It is also called a warm write once read many disk. आपका जो CDR disk होती है वो एक bland disk होती है जिसमें आप अपना data store करते हो लेकिन इसमें होता है कि आपका data एक बार store किया जाता है लेकिन आप उसको पढ़ सकते हो काफ़ी दफ़ा जितनी बार चाहो। चेंजिंग कुछ नहीं हो सकती उसमें, कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, बट आप उसको एक बार स्टोर करके काफ़ी दफ़ा पढ़ सकते हो। और उसको हम वॉम भी कहते हैं, मींस राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार लिख के उसको काफ़ी दफ़ा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW अलाउज यूजर टू रिकॉर्ड एंड चेंज डेटा एनी नंबर ऑफ टाइम्स। CDRWs कांट बी यूज्ड विद ऑर्डिनरी कॉम्पैक्ट डिस्क drives. A device called a CD recorder is needed. A CDRW users को allow करता है record और अपना data record करने के लिए और change करने के लिए। जितने भी दफ़ा वो change करना चाहें उनको ये access होता है कि वो users उसको change कर सकते हैं। CDRW जो होता है वो आपकी ordinary compact disk drive में use नहीं होता, जो आपके system में होती है उसके लिए आपको अलग से CD recorder install कर लगाना पड़ता है अगर उसकी ज़रूरत हो तो। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD-ROM स्टोर मोर एंड बेटर क्वालिटी टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो दैन CD-ROMs। दे कैन स्टोर मूवीज एंड अलाउ यूजर्स टू जम्प टू अ सीन इन द मिडिल ऑफ अ फिल्म। DVD-ROMs जो है वो आपका जो स्टोर करता है जो भी उसकी क्वालिटी बेटर होती है आपकी सीडी के, जितनी भी आपकी सीडी के अदर टाइप्स हैं उनके मुकाबले में वो ज़्यादा बेहतर होता है अपनी क्वालिटी में, अपने टेक्स्ट में। उसमें आपकी ऑडियो वीडियो सब हर तरह की चीज़ रिकॉर्ड होती है, पूरी पूरी मूवीज़ जो है उसमें आती हैं। और यूज़र जो है वो देखने के टाइम आप उसको टेलीविज़न पर एक्सेस कर सकते हो, अपने कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हो। और उसका जो विजुअल उसकी जो विजुअलिटी होती है वो भी ज़्यादा बेहतर होती है बाकी सीडी के टाइप से। तो देखने वाले को ये होता है कि वो सब चीज़ें उसके बिल्कुल आंखों के सामने ही हैं। ये हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में कॉम्पैक्ट डिस्क की 3 से 4 टाइप्स थी ये जो है। इसमें अगर आपको कोई भी मुश्किल हो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।